आज हम गाइस कोई बारिश नहीं कर रहे हैं TWS की, इंस्टेड आज आपको मैं बेस्ट TWS दिखाता हूं जो आप बाय कर सकते हैं 2000 रुपीस की प्राइस के अंदर, बिकॉज ना सस्ते वाली चीज आई थिंक मुझे लगता है बहुत बेटर हो गई है। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला हेडफोन और ये है सबसे मजेदार वाला साउंडकोर का गाइस R50i। रिमेंबर लास्ट ईयर हमने इसको 2023 में आपको दिखाया था, ये मिले थे आपको 1900 रुपए में, लेकिन अब यहाँ पे मिलती है भारी भरकम डिस्काउंट और ये आपको मिलता है जस्ट 950 रुपए में। देखो 950 रुपए के हिसाब से गाइस है बहुत मजेदार चीज। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी देखो एकदम टॉप वाली, बिकॉज यहाँ पे 2000 रुपए वाला आपको फीलिंग मिलेगा, जैसे कि ये हिंज एकदम अच्छा वाला है, मटेरियल दिया गया बहुत सॉलिड टाइप का है, इवन कंप्लीट 1 ईयर यूज़ करने हमने इसको धुल के नहीं लाया, ऐसे ही रखे हुए, तो ऐसा नहीं है कि कुछ क्वालिटी में इशूज़ आई। बाकी यहाँ पे आपको एडिशनल स्ट्रैप मिलता है क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें ना खो जाती हैं, तो आई थिंक ये बेटर होता है कि यहाँ पे मिल जाए। प्लस देखो यहाँ पे डिज़ाइन अच्छा है और ये जो आपके ईयरबड्स मिले हैं ये भी आपको बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग देते हैं, लगाती है आपको थोड़ी सी म्यूजिक व्यूजिक फील होगी। कूल पार्ट का क्या है, यहाँ पे आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है। इस प्राइस में आप कोई भी टीडल उठा लेंगे आपको ऐप सपोर्ट मिलता ही नहीं है, यानी कि थोड़ा सा बेटर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस ट्यून इन कर सकते हैं ना इक्वलाइजर टाइप चीज़ें। देखो प्राइस के हिसाब से इन TWS का जो साउंड क्वालिटी है और जो बेस है वो आप डिसेंट मान लोगे। एक चीज़ इसमें कॉल क्वालिटी है ना वो भी बहुत ही तगड़ी वाली नहीं है लेकिन अच्छी है, तो ये इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज चीप वाली फीलिंग इसमें नहीं है और बैटरी बैकअप उसका बहुत ही अच्छा है। ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से आई थिंक साउंडकोर R50i मोस्ट अफोर्डेबल में एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बनाते हैं। एक नए प्रोडक्ट ने सरप्राइजिंग एंट्री मारी और ये रहा गाइस अमेज़न बेसिक का एक मॉडल है, मॉडल नंबर है A17। अब देखो इसमें खास बात बताता हूँ क्या है, ये वन ऑफ दी बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट है, तो हमने इसको जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए बाय कर लिया कि क्या सही में इतनी अच्छी रेटिंग मिल सकती है किसी TWS को, बिकॉज आप देखो जनरली 4.1 4.2 रेयर होता है लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेटिंग। ओके, हमने बाय कर लिया। अब देखो होल्ड करते यहाँ पे समझ में आ गया, ये देखो आपकी सस्ती वाली फीलिंग दे रहा है, जैसे कि ना ये जो आपका ये हिंज एकदम देसी वाला, कुछ पता ही नहीं चला, दिखाई पड़ रहा है कि 1000 रुपए की बिल्ड क्वालिटी है लेकिन ये जैसे 2000 का था तो ये सॉलिड फीलिंग दे रहा था। बाकी यहाँ पे जो डिजाइन दिया गया वो देखो साबुन की टिक्की वाला है तो अच्छी बात है। अब देखो इसमें अच्छा ये है कि ये जैसे लाइनें बनी ना उससे यहाँ पे कुछ भी ऐसा गंदगी से फील नहीं होगी, तो ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन दिया है जो अमेज़न ने कर रखा है। LED लाइट देखिए वन ऑफ दी बिगेस्ट है, जनरली आप कोई भी देख लोगे ना एकदम छोटू सी लाइट होती है जो बहुत दूर से नजर भी नहीं आती, ये यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ देखिए। देखो अदर फीचर की बात कर लें जो इसका कंफर्ट बढ़े ना वो मेरे को बहुत सही लगा। अब बात करें देखो अदर चीज़ों की, साउंड क्वालिटी इसकी सीरियसली मुझे बहुत फैंटेस्टिक लगी, लाइक जैसे ना हमने एक्सपेक्ट कर रखा था कि क्वालिटी अच्छी होगी नहीं बिकॉज ये 1000 का प्रोडक्ट ही है, सरप्राइजिंगली क्वालिटी इसकी बहुत ही सही लगी। बाकी देखो बेस का क्या है कि बेस इसका थोड़ा सा स्मूथ है और डीपर साइड है लेकिन बेटर देन था साउंड कोर से। अभी एक साल पुरानी की टेक्नोलॉजी 10 महीने पुरानी की, तो 10 महीने में कंपनी थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लेते, इसकी साउंड क्वालिटी और बेस है वो साउंड कोर वाले से हमें ज़्यादा अच्छी लगी। बैटरी इसकी अच्छी चली बिकॉज काफ़ी बड़े में बनाया गया, तो ये साबुन के टिक्के वाले में मुझे लगता है ज़्यादा जूस मसाला आ जाता है, तो ये सही चल रहा। ऑन दी डाउन साइड्स में यहाँ पे कोई भी ऐप का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ज़्यादा आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ऑनर का एक नया प्रोडक्ट गाइस, आजकल ऑनर के प्रोडक्ट मुझे लग रहा है सही लगने लगे, बिकॉज जब ये लॉन्च करते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस से करते हैं, उस प्राइस रेंज में आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन कुछ दिनों में इनको समझ में आ जाता है और प्राइस ये घटा देते हैं, जैसे कि ऑनर बर्ड्स X5 कलर अच्छा है, पकड़ने में अच्छी फीलिंग आ रही है, मज़ेदार लग रहा है और एकदम चीप फीलिंग एक भी नहीं है, मस्त तो ये फीलिंग अच्छी आ रही है, पहनने वनने लगाने में भी ये मज़ेदार लग रहे हैं, थोड़े से ना मोटी वाली फीलिंग आ रही है, अभी इन्होंने जितना लगाया था वैसे दुबले पतले थे लेकिन ये लग रहा है कि हाँ कुछ दमदार वाली चीज़ लगाई है, मोटी मोटी फीलिंग आ रही है इसमें कुछ। साउंड क्वालिटी इसकी एकदम बहुत ही परफेक्ट है, अभी बड़ा ब्रांड है तो जो ये चीज़ें देते हैं ना वो थोड़ी अच्छी देते हैं, इसीलिए शुरुआत में महंगी होती हैं बट सही क्वालिटी है। 2000 के हिसाब से तो उस वक्त तो अच्छी थी लेकिन अब इस प्राइस के हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट है। बाकी यहाँ पे आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है, ANC मिलता है, सबसे लोवेस्ट में आपको कोई बर्ड चाहिए 1250 में आपको ये अप टू -35 decibels का ANC देता जो कि बहुत ही अच्छा है, यानी कि कॉल क्वालिटी में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ऑर्डर म्यूजिक हेल्प मिलने वाली है, ऐप का सपोर्ट दिया गया, तो ये एकदम सुपर डील है, आपको फीचर बहुत मिलने हैं जस्ट 1250 रुपये में। एक और मजेदार TWS दिखाता हूँ आपको और ये रहा गाइस बोट का एयरओप्स T800। 1500 के हिसाब से गाइस ये बहुत ही सुपर है। देखो आपको मैं ऑनेस्ट फैक्ट बता दूँ, जो TWS होते हैं ना इनमें स्मार्टफोन की तरह बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन नहीं होता है, 1-2 साल तक ये ना ये जनरली सेम चीज़ ही देते हैं, जरा हमारा फेर बदल कर देते हैं डिज़ाइन ढांचे वाचे में, अदरवाइज
अब सामान बन रहा है, बेचना तो पड़ेगा ना, लोग काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आप थोड़ा पुराना प्रोडक्ट ले लोगे ना, आपको कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा एग्जैक्टली सेम है, बल्कि वो डिस्काउंटेड मिल जाते हैं। अब इनमें देखो सबसे तगड़ी बात क्या है कि ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है, आपको टॉलबेट में उसको सपोर्ट देते हैं, यानी कि साउंड क्वालिटी एकदम मजेदार वाली आएगी। तो जितना हमने सुना बहुत ही मस्त तरह की साउंड क्वालिटी इसमें मिल रही है, बेस एंड ट्रेवल्स के बहुत ही अच्छे दिए गए। बाकी यहाँ पे आपको ड्यूबल पेयरिंग मोड भी दिया जाता है, आप दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो भी कूल पार्ट है जो कि जनरली इस प्राइस में नहीं मिलती, वो भी इसमें दी गई है। गेमिंग वाइज इसमें 50 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी है, तो ठीक ठाक है, ओके काइंड मान सकते हैं, कोई भी ऐप का सपोर्ट नहीं दिया गया है। बाकी एंड कूल पार्ट क्या है कि इसमें आपको चार माइक मिलते हैं, तो बहुत ही सही आप साउंड क्वालिटी इसमें पाएंगे और कॉल क्वालिटी के लिए भी बहुत ही सही है। तो बोट एडोस 1500 में वर्थ है, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। पोको वाले ने गाइस जबरदस्त एंट्री मारी, एक नया TWS है पोको का, और ये गाइस पोको बड्स X1। ये पोको यहाँ लिख रखा है, तो जैसे मैंने देखो आपके सामने ऐसे पटा कि मैं ऐसे बोलूंगा, बट एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा टाइप का। 1600 रुपए में है और आपको कमाल के फीचर मिलते हैं। लाइट देखो एकदम एलियन वाली है, पहनने में ये बहुत ही कंफर्टेबल लगे, जितने हमने दिखाया आपको ये सबसे कंफर्टेबल है, क्योंकि ये देखो छोटे से हैं, चिकने से हैं, और पैसिव नॉइस कैंसिलेशन इसका बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये जो ईयर टिप्स हैं। बाकी इस प्राइस में देखो यहाँ पे आपको ANC मिलते हैं, ऐप का सपोर्ट दिया गया, आप फुल टूथ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, IP54 का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, प्लस यहाँ पे गूगल का फास्ट पेयर दिया गया है, बैटरी वैटरी सब कुछ। अनदर न्यू प्रोडक्ट आया है फ्रॉम दी वीवो, और ये गाइस वीवो का Buds 3E 1800 रुपये मिलते हैं, और एक तो देखो एकदम सुपर क्वालिटी आपको फील होगी, और एरियाज में देखो लगाने पहनने में ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है, जस्ट लाइक दी पोको बड्स X1। क्वालिटी इसमें बहुत ही सही है। देखो इसमें अच्छी बातें बता दूं, ANC मिलता है आपको अप टू 30 डेसिबल्स तक का, फास्ट चार्जिंग मिलती है, 40 घंटे का प्लेबैक कंपनी क्लेम करती है, हमने तो टेस्ट किया, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, हफ्ता भर चल जाता अगर हम 3-4-5 घंटा रोज उसको यूज़ करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात आ नहीं रही है। बाकी देखो इसमें साउंड क्वालिटी गाइस ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, बेस इसका हमें थोड़ा सा कम लगा, पर चूंकि यहाँ पे ऐप का सपोर्ट मिलता है आप उसको एक्स्ट्रा इन्हेंस कर सकते हैं, सबको बेस नहीं पसंद है, तो बेबी को बेस पसंद है तब बेस इन्हेंस कर सकते हैं, समझ गए ना। लेटेंसी इसकी गेमिंग की बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉट गेमिंग के लिए नहीं है, 88 मिली सेकेंड्स की, तो सर्टेनली गेमिंग वाला नहीं बनाया गया। लेकिन बाकी इसमें एक मज़ेदार बात क्या है गाइस, देखो इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिलता है, नहीं कि आप गाना वाना इन्जॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बाहर निकालेंगे गाना पॉज हो जाएगा, लगाएंगे गाना चल जाएगा, अभी तक हमने जितना आपको दिखाया किसी में इन ईयर डिटेक्शन नहीं था, इसमें ये प्रो वाले फीचर मिलते हैं जो महंगे वालों में आते हैं। अब बारी है हमारे टॉप वाले प्रोडक्ट की, और ये आई रियलमी का लेटेस्ट टर्मिनेटर 310। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोडक्ट में क्या नहीं मिलता है, इसमें सब कुछ मिलता है, जैसे कि साउंड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी वाली, एकदम मजेदार वाली, ऐप का सपोर्ट है रियलमी लिंक का, तो आप और भी फर्दर इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। और चीज की बात कर लें तो बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है, 40 आवर्स की है, ANC मिलता है -30 डेसिबल्स का, बाकी लेटेंसी की 50 मिली सेकेंड्स की जो कि एक्सेप्टेबल है, ये आपको मिल जाते हैं मात्र 1800 रुपये में, यानी कि 1900 में मिलता है 1800 मिलता है, तो सही चीज़ है। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि हम आपको पुराने प्रोडक्ट क्यों बता रहे हैं, तो आपको इसका पुराना क्यों नहीं बताया, ये बेसिकली रियलमी T300E है, तो आप इसको 310 नाम से नए तरह से लॉन्च किया गया, नए नए कलर के साथ में, तो T300 थोड़ा सा सस्ते मिल जाता है, सब कुछ सेम है, तो दोनों में से आप कोई भी आप ले पा सकते हैं जिसका प्राइस कम हो, ज़्यादा नए बजाने का झलावा मत करिए। तो गाइस ये रहे हमारे मस्त वाले कुछ TWS 2000 रुपये के अंदर में, आपको लगता है कोई छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, तब तक हम थोड़े से कंचे वंचे खेल के आते हैं। और बाकी पिछले बार जब हमने बारिश की थी उसमें बहुत से एक अच्छा प्रोडक्ट दिखाया था जो आपको बाय नहीं करना चाहिए, वो भी आप चेक कर लीजिएगा।